हेलो एंड वेलकम इन टेक्निकल जागीर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि यदि आपका विंडोज पीसी स्लो है या हैंग हो रहा है तो उसको सुपर फास्ट कैसे बनाएं। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने कीबोर्ड में एक की टाइप करनी होगी, Windows+R। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ही Windows+R की प्रेस की तो रन पॉपअप शो हो गया। और यहाँ पे हमें टाइप करना है परसेंटेज टेम परसेंटेज। यहाँ पे हमें एंटर प्रेस करना है या ओके बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम टेम फोल्डर में आ गए हैं। तो यहाँ पर हमें सभी फोल्डर्स को सेलेक्ट ऑल करना है, माउस से कर सकते हैं या Ctrl+A की प्रेस करके सभी को सेलेक्ट करना है और फिर शिफ्ट के साथ में डिलीट की प्रेस करनी है और यहाँ पे यस करना है। यहाँ पे हमें स्कीप बटन पे क्लिक करना है। तो अब हम यहाँ पर इसको क्लोज कर लेंगे। फिर से Windows+R की प्रेस करेंगे, यहाँ पे हमें एंटर करना है विदाउट परसेंटेज टेम्प TEMP और यहाँ पे हमें एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे हमें एक्सेस करने की परमिशन को अलाउ करना है, तो इसके लिए हम कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम फिर से वही करेंगे, Ctrl+A की प्रेस करके सेलेक्ट ऑल करेंगे और फिर शिफ्ट के साथ में डिलीट की प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम एंटर करेंगे। जैसे ये टेम्प फाइल डिलीट हो जाएगी, इस विंडो को भी हम क्लोज करेंगे। फिर से Windows+R की प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम एंटर करेंगे रिसेंट RECENT और यहाँ पे हम ओके पर क्लिक करेंगे। Windows 7, Windows 8, Windows 10, विंडोज़ के सभी वर्जन में सेम ही प्रोसेस है, आप आसानी से कर सकते हो। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी बहुत सारी फाइल्स हैं, इनको भी हम Ctrl+A प्रेस करके शिफ्ट की के साथ में डिलीट की प्रेस करेंगे, जिससे ये फाइल यहाँ से रिमूव हो जाएगी। इस विंडो को भी हम यहाँ से क्लोज करेंगे। यहाँ पर हम फिर से Windows+R की प्रेस करेंगे और अब हम यहाँ पर एंटर करेंगे प्रीफेस। PREFETCH और यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करेंगे। इसकी भी परमिशन अलाउ करने के लिए हमें कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, Ctrl+A प्रेस करके शिफ्ट की के साथ में डिलीट की प्रेस करेंगे और यहाँ पे यस पर क्लिक करेंगे या एंटर प्रेस करेंगे, जिससे ये फाइल्स रिमूव हो जाएगी। यहाँ पे हम इस विंडो को क्लोज कर लेंगे। अब यहाँ पे यदि आपका पीसी स्लो स्टार्ट होता है या स्टार्ट होने में ज़्यादा टाइम लेता है तो उसको हम यहाँ पर ठीक करेंगे। तो उसके लिए हमें Windows+R की प्रेस करनी है और यहाँ पे हमें एंटर करना है MSConfig और यहाँ पे हमें ओके बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का पॉपअप शो होगा, जिसमें हमें बूट ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर हम टाइम आउट में मिनिमम 5 सेकेंड एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये चार ऑप्शन मिलेंगे, नो GUI बूट। तो जैसे ही हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे तो जब भी हम विंडोज़ पीसी को रिस्टार्ट करेंगे तो Windows 7 का लोगो स्टार्ट के टाइम में शो नहीं होगा। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट एडवांस ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ प्रोसेसर पर क्लिक करना है और यहाँ पे हमें जितने भी अपने हाई प्रोसेसर है उनको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मेरे i4 है तो मैं यहाँ पे 4 सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैक्सिमम मेमोरी पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी आपकी मैक्सिमम मेमोरी है उसको यहाँ पे एंटर करना है और यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। इसके बाद में हम स्टार्टअप ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर हमें वो एप्लीकेशन शो होगी जो विंडोज़ पीसी के स्टार्ट होने के साथ में ऑटोमेटिक रन होती है। तो यहाँ पर मेरे पीसी में दो एप्लीकेशन हैं, एक रियलटेक HD USB ऑडियो ड्राइवर और ओपेरा ब्राउज़र। तो मैं यहाँ पे दोनों को अनचेक करूँगा
और यहाँ पर अप्लाई बटन पे क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे हमें सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का पॉपअप शो हुआ है जिसको हमें एग्जिट विदाउट रीस्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें कंप्यूटर में जाना है या माई कंप्यूटर में जाना है। माई कंप्यूटर में जाने के बाद में हमें सी ड्राइव पर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टी ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे डिस्क क्लीनअप ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमें सभी फाइल को सेलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें डिलीट फाइल पर क्लिक करना है, जिससे ये डिस्क क्लीनअप हमारी अनयूज्ड फाइल को डिलीट कर देगा। इस तरह से हमें डी और ई ड्राइव की प्रॉपर्टी में जाके डिस्क क्लीनअप करना है, जिससे ये टेम्परेरी फाइल को रिमूव कर देगा। अब यहाँ पर हमें इस विंडो को क्लोज करना है और हमें कंट्रोल पैनल में जाना है। तो आप सीधा ही कंट्रोल पैनल ओपन कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे विंडोज प्लस आर की प्रेस करके रन में कंट्रोल टाइप करके ओके प्रेस करूँगा तो यहाँ पे हमें कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे सर्च कंट्रोल पैनल में हमें एंटर करना है DEFRAGMENT। तो यहाँ पे ये शो होगा। यहाँ पे हमें डिफ्रेगमेंट योर हार्ड ड्राइव पर क्लिक करना है, जिससे हमारे हार्ड ड्राइव की सभी डिस्क यहाँ पे शो होगी। तो यहाँ पे हमें सभी ड्राइव को एक एक करके सेलेक्ट करना है और डिफ्रेगमेंट डिस्क पर क्लिक करना है, जिससे ये हार्ड ड्राइव के सभी डिस्क को डिफ्रेगमेंट करेगा, जिससे हमारे पीसी की स्पीड और ज़्यादा बूस्ट होगी। तो गाइज ये थे अपने पीसी को सुपर फास्ट करने के तरीके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में।